जानना चाहेंगे कितने एक्साइटेड हैं आप अपने दो रियलिटी शोज कर रहे हैं, तो एक तरफ सिंगिंग है दूसरी तरफ मैजिक है, तो दोनों के बारे में बताइए कितने एक्साइटेड। या फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने एक नया ऐप शुरू किया है और इसमें एक यंग, नॉट यंग, बेसिकली टैलेंट को चांस मिलता है। तो सिंगिंग का है, इवन ब्यूटी का, यू नो, ब्यूटी पैजेंट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट दे आर डूइंग। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट जनरली आप किसी भी टैलेंट कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो आपके ऑडिशंस होते हैं, थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़ता है, आपका एक्सपेंस होता है। सो इन दिस यू कैन जस्ट अपलोड योर वीडियोज़ एंड यू कैन गिव योर क्लिप्स विल बी वॉच्ड एंड दे विल बी जज्ड एंड इट बिकम्स एन ईजी वे टू, यू नो, लाइक टू गेट, सो it's very the facility is fantastic. So yeah, and then there are obviously there's a competition, and I from the semi-final Lalitji and me will be the judges, and that's how it's going to be. So once the talent is shortlisted, I will be a judge on one of their shows. Arbaz sir, judge करना कितना मुश्किल होने वाला है, especially singing show है और उसके बाद pageant भी है, तो उसके बारे में बताइए, उसके लिए कितने prepared हैं आप judging के लिए? I think अभी अच्छी आवाज़ पहचानना, I guess सबके पास एक इतना तो ईयर है कि they can tell कि what a good voice is and who amongst the ones that are competing, किसकी आवाज़ या किसने कौन सा गाना, कितना मुश्किल गाना कितने आसानी से गाया है, तो वो एक अंदाज़ा हो गया इतने सालों में कि ये कंपटीशन को जज वी कैन डू। प्लस वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस म्यूज़िक में। आई लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे, ही वुड लुक एट इट, यू नो, मे बी बारीकी से देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इट विल बी इंटरेस्टिंग जजिंग। एंड लाइक आई सेड, टैलेंट में एवरीबडी इज़ एक्चुअली अ विनर। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक शो में विनर होता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन जो प्रॉब्ली सेकेंड थर्ड आते हैं या जो जीतते नहीं है, वो भी कभी कभी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो वी विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड दैट डे हु डज वेरी वेल। पहली बार शो वेब पर आने वाला है, तो वो कितना ईजी और डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली जज करना? जैसे सर ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा सिंगर्स होंगे जिसको आप लोग जज करने वाले, तो मतलब पहली बार जो है वेब पर आने वाला है शो। तो ये आपका सवाल जो है ना कि पहली बार वेब पर आ रहा है तो उसको जज करना कितना आसान या मुश्किल होगा, वो तो इट्स द सेम थिंग। इट्स लाइक कि हम एज एन एक्टर, हमसे पूछा जाता है कि आप वेब पे एक्टिंग कर रहे हो तो कितना मुश्किल है। एक्टिंग है, वही सेटअप होता है, वही स्टूडियोज होते हैं, वही आपको डायलॉग बोलने पड़ते हैं, वो सिर्फ उसका फॉर्मेट और उसका मीडियम अलग होता है। सिमिलरली जज हम सिंगर्स को वैसे ही करेंगे, वो वेब के लिए अलग थोड़ी गाते हैं कि अभी वेब के लिए तो मेरा गाना थोड़ा अलग होगा और ये टीवी के लिए तो मैं गाना अलग गाऊंगा या फिल्म के लिए होगा तो अलग गाऊंगा। वो सब एक जैसा ही गाते हैं, हम एक जैसा ही जज करेंगे उनको। वो प्लेटफॉर्म जो है वो वेब पे आएगा। दैट्स अबाउट इट। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे, अरबाज जो है दो शो को जज करने वाले, क्या आइडिया था अरबाज को ऑन बोर्ड लाने का, कैसे कोलैबोरेशन हुआ? अरे क्या मेरा दुकान बंद कर रहा है यार, ले लिया बस आगे बढ़ो। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा अरबाज के साथ? एक्चुअली सर का अभी होगा एक्सपीरियंस, होगा एक्सपीरियंस होगा, और अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और सर के लिए प्लस पॉइंट जो है ना, सर के अंदर 3 पर्सनैलिटीज है, एक है डायरेक्टर, एक है प्रोड्यूसर, एक है एक्टर, तो इससे ज्यादा सिंगर भी है, वो काफी निकलेगा। वो आपको बता दो, इनको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है, सिंगिंग भी है। आपने वो देखा होगा कपिल शर्मा का शो, उसमें थोड़ी बहुत पोल खोली थी। अभी तो बहुत से गूगलीज फेंक रहा हूँ मैं। और सैड के साथ ललित जी का कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन इस बार मुन्नी का बदनाम नहीं होगा, मुन्नी का नाम होगा। जियोगुरु कब का था लास्ट, मुझे याद है, अगर मैंने जियोगुरु, सॉरी जियोगुरु है ना, कहा था लास्ट में, याद है कब कहा था, किसी को कहा था जियोगुरु? अच्छा, ऐसा तो कुछ याद नहीं है, मुझे याद है लेकिन मैंने पड़ोसन में सुना था जियो गुरु। Well, I am here to support Jeeo King and Queen, which is a